लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया है और इसको लेकर के दक्षिण भारत पर बीजेपी का खास फोकस है। यूं तो दक्षिण भारत में कई सीटें हैं, लेकिन सबकी निगाहें असदुद्दीन ओवैसी की सीट हैदराबाद पर है, जहां से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने माधवी लता को चुनावी मैदान में उतारा है। इस वक्त माधवी लता हमारे साथ लाइव कनेक्टेड हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। माधवी जी, बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। रिया जी नमस्कार। माधवी जी, आपको जिस सीट से जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि हैदराबाद सीट, उसे ओवैसी के लिए गढ़ के तौर पर देखा जाता है, कितनी चुनौतियां आप महसूस कर रही हैं, क्या आपका अनुमान है? यहाँ पे चुनौती एक ही है कि आज तक 40 सालों में जितने भी गलतियां हुई हैं वहां पर, जिस प्रकार से वहां के मतदाताओं से खिलवाड़ हुआ है, और ये 40 सालों में जिस प्रकार से किसी भी तरह का प्रगति नहीं हुई है, उन सारे चीजों को बाहर लाने की जिम्मेदारी को मैं कहती हूँ चैलेंज। बस उसके अलावा मैं मानती नहीं हूं कि उनका असद जी का कोई बड़ा गढ़ है और वो असंभव है। सबसे बड़ी चुनौती तो वहां पर सच्चाई को बाहर लाना, और उसके लिए जो कैंडिडेट को भाजपा से चुनाया गया है, यानी कि मैं, मेरी जिम्मेदारी है कि किसी भी हालत में ये सच्चाई को मैं बाहर लेके आऊं और प्रजा के सामने रखूं और सारे देश के सामने रखूं, ताकि जो सच है उसका पर्दाफाश हो जाए। माधवी जी, इन दिनों हैदराबाद की सड़कों पर आपके बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं और इसमें लिखा है कट्टर हिंदू शेरनी। जब हैदराबाद की बात होती है, उसके समीकरणों की बात करते हैं हम, तो वहाँ पर अल्पसंख्यकों की एक बड़ी संख्या है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि इतना आसान होगा? कट्टर हिंदू का नाम जब आप देते हो तो कट्टर हिंदू के साथ ये भी हम लोगों को जानना पड़ता है, हिंदू वो है जो मानव सेवा को ही माधव सेवा मानते हैं। कट्टर हिंदू वो है जो बिना कोई व्यत्यास के, यानी बिना कोई भेदभाव, सारे लोगों का और इस देशवासियों का सेवा करते हैं। अगर ये हिंदुत्व है तो मैं सही में कट्टर हिंदू हूँ और यही मेरा हिंदुत्व मुझे सिखाया गया है। अभी जब आप कह रहे हैं कि वहां के माइनॉरिटी का नंबर, संख्या ज्यादा है, तो मुझे ये बताने दीजिए, ये सही नहीं है। अगर आप पूरे बोगस वोट्स निकाल देंगे संख्या में से, जो अभी फिलहाल 22 लाख वोटर्स हैं, उसमें से तकरीबन 6.5 लाख बोगस वोट्स हैं। जब आप ये निकाल देंगे उसके अंदर से, तो बताइए बच्चे कितने हैं? आपको 2 और 4 16 लाख 50 हजार बच्चे हैं। उसके अंदर तकरीबन 9 लाख हिंदू वोट से, अब आप बताइए क्या है उनकी संख्या, और जितना भी वहां पे मुसलमान उनकी संख्या है। सबसे पहले हमको ये बात जानने की जरूरत है, उनके भी कई ऐसे समस्याएं हैं और उनके ऊपर भी बहुत सारे ज्यादती हो रहे हैं उनके ही लीडर के वजह से, जो वो बाहर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उन पे भी खतरा है अगर वो बाहर आएंगे और कुछ कहेंगे। उनको भी इंतजार है एक ऐसी लीडर की जो अपने जान को भी चाहे तो जोखे पे रखकर उनके लिए बाहर निकले और उनके लिए मदद करे और उनकी हिफाजत के लिए ठहरे और उनकी प्रगति के लिए ठहरे। अब आप बताइए मोदी भाई के सरकार में इससे ज्यादा हिम्मत मुझे क्या मिल सकती है कि मैं सारे हिंदू और मुसलमान भाई बहनों के लिए ठहरूं और उन पे जो जाति हो रही है उनके लिए मैं न्याय दिलवाऊं और दोनों की प्रगति दो आंत की तरह मैं महसूस करूं और दोनों को बराबरी ही मदद देकर उनको आगे बढ़ाए। आप कह रहे हैं कि हैदराबाद का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन ये भी एक पहलू है कि सालों से वहाँ पर ओवैसी परिवार का प्रतिनिधित्व वहाँ की जनता ने दिया है। असदुद्दीन ओवैसी उसको सीट को लेकर के काफ़ी कॉन्फिडेंट रहते हैं। आपको क्या लगता है कि वैसी कौन सी बड़ी वजह है कि इस बार जो वोटर्स हैं वो आपके पक्ष में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने प्रिया जी।
40 सालों से सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ही नहीं, उनके पिताजी, उनके दादाजी, वो अपने आप को अपना घर बना लिए हैं। अभी क्यों घर बना लिए उन्होंने? क्योंकि उनके मदद में यहाँ पर जो तेलंगाना और इसके पहले जो आंध्र था, उनके सारे गवर्नमेंट से जो थे उनके ही मदद में काम कर रहे थे, जिसके वजह से उनको हर प्रकार का एक मदद मिला है कि वो लोग बोगस पोर्ट्स बनाए, रिगिंग करे वहां पर, और जितने भी वोटर्स आते हैं तो उन वोटर्स को डराना, बड़ी गंदी गालियां वहां पे देते रहना, ताकि लोग और खास कर महिलाएं वहां से, अभी ऐसा लगता है कि उनको अच्छी यहाँ पे आना नहीं चाहिए, हमको वोट नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का मानसिक रूप से उनको वापस बिना वोट दिए भिजाने का उनके अपने ही अलग तरीके हैं। जो इन तरीकों के वजह से पोलिंग, जिस दिन से पोलिंग होता है उस दिन उनका जो व्यवहार है और उनके साथ जितने भी पुलिस के आज तक उनको ना रोकना, और जो हिंदू के लोग आगे बढ़ते हैं या भाजपा के कोई कार्यकर्ता आगे आकर सवाल करते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो उनके ऊपर केसेस डालना, डराना उनको, इस प्रकार का जो वो लोग ने पोलिंग दिन अपना एक हक जमा के रखे हुए, इसके वजह से हम क्लियर कट देख सकते हैं आज तक वो लोग जीते आए। लेकिन 2023 असेंबली इलेक्शंस में यहाँ के जो इलेक्शन कमीशन और यहाँ के जो कलेक्टर ये सब मिलके जो काम करे हैं, इससे एक नया इतिहास शुरू हो गया है, और मोदी भाई का जितने भी योजनाएं निकले हैं उनसे पूरा देश में हमको पता है ज्यादातर फायदा उठाने वाले अपने ही मुसलमान बहने हैं। तो इस दोनों की वजह से एक नया इतिहास का शुरू हो गया है, प्रारंभ हो गया है। लेकिन जब माधवी जी, जब आप ये कहती हैं कि केंद्र के योजनाओं से बड़ी संख्या में मुसलमान जो भाई हैं, बहन हैं, वो भी लाभान्वित हुए हैं, दूसरी तरफ विपक्ष ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता है कि जो भी यहाँ पर एक्शन लिया जाता है वो इसी वर्ग को देख करके लिया जाता है, यानी कि अगर उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जाती किसी भी स्टेट में तो वहाँ पर बीजेपी सेलेक्टिव हो जाती है। ऐसे में अब आगे बीजेपी, आपका क्या स्टैंड रहेगा आगे इस चुनाव में? मैं आपको एक ही इसके उदाहरण देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मेरे खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में कई जगह पर ऐसे हादसे हुए हैं जहाँ पर हिंदू लड़कों के ऊपर खास कर एक संख्या में मुसलमानों ने उनके ऊपर दंगा किया है। लेकिन अगर आप मुसलमान कहेंगे तो गलत बात है, मैं कहूंगी ये लोग वो लोग हैं जो इस देश के ही नहीं, ये लोग वो लोग हैं जो बाहर के देशों से, बांग्लादेश से, अलग अलग प्रांतों से आए हुए मुसलमान हैं। तो ये जो बात है, ये लोग खास कर ऐसे वो ना जो करना चाहते हैं कि इस प्रकार के जो हरकत वो लोग करते हैं, जानबूझकर जो करते हैं, तो उससे वहां के लोगों को ऐसा लगता है, वहां का अगर आप लोकल हिंदू जिस पर ये वार हुआ आप उनसे पूछे वो बता देते हैं कि दीदी ये लोग यहाँ के नहीं। लेकिन इसका ऐसा चारों तरफ ये बात ऐसे फैल जाती है, मुसलमान ने आकर हिंदू पे अटैक किया है, तो बताइए तो सही तब क्या होगा आगे जाकर? ये जो हिंदू ने सर फुटवाई है, जिसका सर फुटा है, वो क्या उन लोग उस वहां के प्रांत के लोग जाके इन पर फिर इस प्रकार का जो उनपे वार हुआ है उसका तो समाधान देंगे? इस बीचों बीच में यहाँ पे मजहब का बात निकल, लेकिन सच्चाई क्या है कि ऐसा मुसलमान लोग जो वहां के है ही नहीं, उनको फल बेचने का रोड पर गलत जगह पर, जहां पर रूल के हिसाब से वो लोग नहीं रहना चाहिए, शॉप्स के सामने उनको फल बेचने का ये लोग वहां का वहां मदद देते हैं। अब आप बताइए ये मजहब हुआ है, ये गलत प्रकार का मदद वो लोग बाहर से आए मुसलमान, ठीक है, और ऐसे लोगों को जो अवैध रूप से रह रहे हैं इनको लेकर के CAA, इसके अलावा कई सारे कानूनों की बात कही जाती है, ट्रिपल तलाक कानून की बात कही जाती है, क्योंकि आप तो लोगों के बीच में जा रही होंगी, आपको क्या लगता है कि तेलंगाना में कम से कम और हैदराबाद आपकी सीट पर
ये जो तमाम मुद्दे हैं वो कितने असरदायक हैं और आम जनता के मन में क्या ये तमाम मुद्दे आपको नजर आता है एज ए कैंडिडेट? एज ए कैंडिडेट ही नहीं, एज ए सोशल वर्कर भी मैं कहती हूँ, यहाँ के मुसलमान चाहे वो जो भी रहे थके हुए हैं, इतने थक गए वो लोग, उनको भी अभी प्रगति चाहिए, उनको भी आगे बढ़ना चाहिए। उन लोग ये जो रिलीजन का नाम, ये जो काम अब तक होते गया है कम्युनल के नाम पर, ये लोग जो भड़कावे स्पीचेस देते हुए वोट्स लिए हैं, अब आम जनता इससे ऊब गई है, आम जनता इससे थक गई। अब इनको मजहब के नाम पर कोई लड़ाई लड़ना नहीं है, इसीलिए असदुद्दीन जी को बाहर से लोगों को लेके आना है, इसीलिए उनका प्रोटेस्ट जो है, उनकी जो दर्द है बाहर के मुसलमानों पे है, उन देशों से जिनका देश स्वयं इस्लाम देश है। तो बताइए आप, जब अपने खुद के देश के इस मुसलमान जो गरीबी में है, आप उनके ऊपर तरस नहीं खाते हुए, आपको बाहर लोगों की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि यहाँ का मुसलमान पहचान गया है कि ये आदमी अपना कौम को नीचे गिरा रहा है, अपना मजहब का नाम लेकर वो इस्लाम का भी जो शांति फैलाती है उसके ऊपर एक गलत इल्जाम लगा रहा है और ये मदद कर रहा है, ये कह रहा है लोग से और अपने कौम के बारे में कि हम ये करेंगे दंगा फसाद, वो करेंगे, हम चुपने बैठेंगे, 15 मिनट का चुटकी बजाएंगे। ये सब जो है, अगर आप एक सच्चा मुसलमान को पूछेंगे, इसका कभी ये मुसलमान बात नहीं करेगा, क्योंकि मैं 8 सालों से ओल्ड सिटी में मुसलमान भाई बहनों से काम कर रही हूँ, एक बार भी वो लोगों ने कभी मजहब का बात बाहर नहीं निकली, एक बार भी उन लोगों ने मेरे ऊपर ऐसा कोई भी इल्जाम नहीं लगाया, एक बार भी मुझे आने से नहीं रोके। अब बताइए ये सारे कौन करवा, क्यों करवा? ये सब ऐसे कारनामे हैं, ऐसे करतूते हैं जो स्वार्थी लोग ही कर सकते हैं, खुद गर्ज लोग कर सकते हैं, अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। अब ये नहीं चलेगा, इस प्रकार का राजनीति अभी आगे इस देश में मजहब का नाम लेकर अगर कोई करना चाह रहे तो नहीं चलेगा। हम आए हैं मोदी भैया के सरकार में ये कहने के लिए कि हम सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास में मानते हैं। जब ये बात हम ठोस के कह रहे हैं तो लोगों को अभी समझ में आ गया है कि हमारा दर्द समझने के लिए हिम्मत से कोई आगे, बस वो किस जात चाहते हैं कि कोई हिम्मत से आगे बढ़े उनके लिए और सच्चाई को बाहर निकाले। के अलावा हैदराबाद के लोकसभा पार्लियामेंट लोगों को कोई ऐसा दिक्कत नहीं है वोट डालने के लिए, बस वो डरे हुए हैं। अगर आप सच को निर्भयता से बोल सकोगे, अगर आप उनसे कह सकोगे कि हम आपके लिए ठहरेंगे और करके दिखाएंगे, और जितने मोदी भाई ने आज तक योजना से कर दिखाए हैं, आप यकीन नहीं करते हैं, हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट ऐसा एकमात्र पार्लियामेंट है जहां पे मुसलमान भाई बहनों को मोदी भाई के योजनाओं को पहुंचाने भी नहीं सके। ठीक है, अंत में मेरे एक दो छोटे छोटे सवाल है माधवी जी। एक सवाल तो ये कि आप क्योंकि तेलंगाना से आती हैं और तेलंगाना की सियासत में इस वक्त बीआरएस नेता के कविता और जिस तरीके से उनकी पूरी अरेस्टिंग हुई, इसको लेकर के बीआरएस ने भी खूब प्रदर्शन किया। हैदराबाद में भी हमने देखा कि नेता सड़कों पर उतरे, ईडी की कार्रवाई को लेकर के आप लोगों पर आरोप लगाते हुए नजर आए। क्या लगता है कि क्या चुनाव में ये जो मुद्दा है वो आपके अगेंस्ट जा सकता है हैदराबाद में? रिया जी, मैं आपसे सवाल, आपके सवाल को मैं सवाल से ही जवाब दूंगी। जब कविता जी का अरेस्ट हमारे 2023 असेंबली इलेक्शंस पहले नहीं हुआ, तब कहाँ चले गया था ये बीआरएस, बताइए तो सही। तब तो उन्होंने कभी नहीं कहा अरे वाह बीजेपी ने हमको अरेस्ट नहीं करवाया, बीजेपी बहुत अच्छा पार्टी है, मोदी भाई बहुत बढ़िया है इंसान है, भगवान है, ये तो नहीं कहा उन लोगों ने। और जब अब उनकी अरेस्ट हो रही है तो वो लोग ये कहना चाहते हैं कि हमने कुछ करवाई है उनको, तो उनको इतना तो अकल लगा के सोचना पड़ेगा, पढ़े लिखे लोग ही तो है ना,
यहाँ तो यहाँ का पढ़ाई तो जस्ती नहीं है, तो फॉरेन जाके पढ़ के आते हैं लोग, तो क्या सीखे है भाई फॉरेन से पढ़कर आकर? ईडी इनकम टैक्स पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। तो भी सारे देश में तो बहुत सारे ईडी हो रहे हैं ना, जिन जिन पे हो रहे, तो पार्टी को क्या लेना देना है? ठीक भाई आप स्कैम करते हो दारू से, तो क्या आपकी पूजा करें डिपार्टमेंट वाले, बोले मैडम जी आप अच्छा करे और एक स्कैम पकड़िए, फिर आप तब दारू के ऊपर करे, कल गंजा के ऊपर करिए, तो ये सब क्या न्योता देते क्या लोग? माधवी जी, तेलंगाना में BRS, AIMIM और इसके अलावा अगर हम INDIA ब्लॉक की बात करें, कांग्रेस जो कि कई चुनावों में कह चुकी है कि AIMIM दरअसल भारतीय जनता पार्टी की ही बी पार्टी है, अब क्योंकि आप असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ ही चुनाव लड़ रही हैं, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगी? मैं वेरी ओपनली आपसे एक ही सवाल कहती हूँ फिर से कि जब कांग्रेस यहाँ पे आया था इलेक्शन में जीत कर, एक ही बात उन्होंने बताया कि हमको, उनको शिकायतें थी असदुद्दीन ओवैसी पे और अकबरुद्दीन ओवैसी जी, जब शिकायतें थी दोनों लड़ लिए हैं असेंबली में, अब बताइए इतना जल्दी दोस्त कैसे हो गए ये दोनों, इतने जल्दी भाई भाई कैसे हो गए, इतने जैसे कैसे वो लोग मुकर गए, आपने जो जो गालियां एक दूसरे को दे दिए वो लोग, अब आप बताइए गाली देने के बावजूद भी टेम्पररी स्पीकर किसको लगाए थे वो लोग, गालियां देने के बावजूद भी हम दोनों भाई हैं और कौन बता रहे हैं आज ये बात, इतना लड़ाई होने के बावजूद भी जहां पे असदुद्दीन ठहर रहा है अभी ये असेंबली लोकसभा इलेक्शन में, आज तक कांग्रेस ने उम्मीदवार को क्यों नहीं ठहराया? पर इतना ओपन खुलासा वो लोग एक दूसरे को मदद क्यों दे रहे हैं वो लोग? अब आप बताइए भाई कौन किसके पार्टी है, कौन किसके बी टीम है? अरे इंसान को दुनिया में, एक भारत देश सवाल में AIMIM को कहीं एक पे भी जा सवाल अपने बीजेपी के प्रत्याशी से मेरा ये रहेगा कि तेलंगाना की 17 में से कितनी सीटें और देश में लोकसभा की कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए पूरे देश में तो हम 400 पार करके ही रहेंगे और जो 400 पार करेंगे हम हैदराबाद के सीट से ही मोदी भाई का जो संख्या उन्होंने ऐलान की है उसको पार करके दिखाएंगे हम, 401 होगा हमारा हैदराबाद।